मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। देश है आज के मुख्य समाचार। भारत में दो वर्षों में 2.5 करोड़ शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार का सफाई अभियान पिछले दो वर्षों में बेहद सफल रहा है। इस दौरान भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने के करीब 2.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। ब्रैड पिट के साथ फिल्म में काम नहीं करना चाहती एंजेलिना अभिनेत्री व निर्देशक एंजेलिना जोली ब्रैड पिट के साथ निजी रिश्ते को खत्म करने के बाद पेशेवर रिश्ता भी नहीं रखना चाहती हैं। अलगाव के बाद उन्होंने पिट के साथ हॉलीवुड फिल्म को छोड़ दिया है। कई लोगों के लिए प्रेरणा है कंगना। तमन्ना अभिनेत्री तमन्ना भाटिया खुद को कंगना रनौत की बहुत बड़ी प्रशंसक मानती है और उनका कहना है कि फिल्म क्वीन की अभिनेत्री कई महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी है। धोनी से मिलने को बेताब है। दिशा बॉलीवुड फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के साथ करियर की शुरुआत कर चुकी अभिनेत्री दिशा पटानी ने कहा कि वह धोनी से मिलने के लिए उत्साहित हैं। गरीबों की मदद के लिए खादी खरीदें। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर लोगों से खादी से बने उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। इत्र की शौकीन हैं मॉरेट जहां हॉलीवुड अभिनेत्री क्लाई मॉरेट का कहना है कि विभिन्न प्रकार के इत्रों को इस्तेमाल कर उन्होंने अपनी भूमिकाओं को निभाने में मजा आता है। चीन में इस साल लॉटरी की बिक्री इस साल से अगस्त माह में दर साल के आधार पर 10.4% ईवान से बढ़ाकर 31 अरब लगभग 4.7 बिलियन डॉलर हो गई है। कोलंबो विश्व का चौथा सबसे पसंदीदा गंतव्य। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच विश्व का चौथा सबसे तेजी से बढ़ता पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। खुद फैसला लेना पसंद करती हैं रवीना। अभिनेत्री रवीना टंडन ने बताया कि जहां फैशन की बात आती है उन्हें खुद फैसले लेना पसंद है। हीरो एमटीवी हिमालय रैली को दिखाई गई हरी झंडी। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रमन धवन ने हरी झंडी दिखाकर दुनिया को सबसे जटिल ट्रैक साइकिलिंग रैलियों में शुमार हीरो एमटीवी हिमालय रैली के 12वें संस्करण की शुरुआत की। जहां बात करते हैं कश्मीर की सेना पर गर्व। कश्मीरी शांति के पक्षधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह हुए हमले में सेना के 18 जवानों की शहादत को याद करते हुए कहा कि उन्हें सेना पर गर्व है और बोलती ही पराक्रम दिखाती है। अखबार है कानपुर से। कानपुर टेस्ट भोजन काल तक भारत के पास 308 रनों की बढ़त। अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम ने ग्रीन पार्क स्टेडियम पर जारी 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के चौथे दिन रविवार को भोजन काल तक 4 विकेट के नुकसान पर 252 रन बना लिए हैं और मेहमान टीम पर 308 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह अध्यक्ष हैं। उन्होंने रविवार को जनसंघ विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एक असाधारण विचारक और मानवतावादी बताया। जागरण फिल्म महोत्सव में दिखेगी नीतू चंद्रा की मैथिली फिल्म। अभिनेत्री नीतू चंद्रा की मैथिली फिल्म मिथिला मकान यहाँ साथ में जागरण फिल्म महोत्सव में दिखाई जाएगी। जस्टिन बीबर एक नाइट क्लब में हमला गया। जस्टिन बीबर एक अज्ञात शख्स ने नाइट क्लब में हमला कर दिया। मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जनसंघ विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वाशिंगटन के मॉल में गोलीबारी में संदिग्ध गिरफ्तार। अमेरिका के वाशिंगटन के एक मॉल में शुक्रवार रात को भी कई गोलीबारी के संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश गुमराह कर किशोर की नसबंदी कराने वालों पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में किशोर को गुमराह कर नसबंदी कराने वाले 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली में सुबह आंशिक बदली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह आंशिक बदली छाई रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुषमा स्वराज UNGA में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंची। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र आम सभा UNGA की 71वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए शनिवार रात को न्यूयॉर्क पहुंच गई। अमेरिका में गोलीबारी। 8 घायल। अमेरिका के बाल्टीमोर में शनिवार रात को ही गोलीबारी में 8 लोग घायल हो गए हैं जिनमें एक बच्चा भी है। जम्मू एवं कश्मीर में लगा कर्फ्यू। जम्मू एवं कश्मीर के 31 बार में 3 युवकों की गिरफ्तारी के बाद बड़े तनाव की वजह से रविवार को प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित राज्य के विभिन्न हिस्से में रविवार को मौसम साफ होने के साथ धूप खिली है। अगले माह 74 साल की हो जाएंगी आशा पारेख। जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख अक्टूबर में 74 साल की हो जाएंगे। हाल ही में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। अभिनेत्री का कहना है उनकी इच्छा है कि जन्मदिन पर वो स्वस्थ रहें।
जिसने सात को मृत्युदंड की सजा, मिस्र की एक अदालत ने शनिवार को सात लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अब तक के समाचार समाप्त हुए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, खबरों का सिलसिला जारी है।